अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग लाहौरी चने बनाएंगे। मैंने चनों को बॉईल कर लिया, ये तकरीबन आधा किलो चने होंगे और एक अदद प्याज, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। एक अदद टमाटर, इसको भी मैंने ब्लेंड करके प्यूरी बना लिया। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चों के साथ ब्लेंड करके इसको भी मैंने प्यूरी बना लिया। इसका मकसद यही है कि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत स्मूथ बनेगी। मिक्स गरम मसाला, इसमें ये तमाम चीज़ें हैं, साबुत, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, तेज़पात और लौंगें। और ये चीज़ें हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए, गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्ची हम लोग एंड में दम के टाइम डालेंगे। और जिन मसालों में हमें ज़रूरत है, एक चम्मच नमक, साबुत धनिया आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच साबुत लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च आधी चाय की चमची, लाल मिर्च एक भर के लाल चम्मच, कसूरी मेथी एक भर के बड़ा चम्मच और सूखा धनिया एक चम्मच। चलिए हम लोग कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया, अब हम इसमें सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब ये मसाले जाएंगे, साबुत मसाले, इससे इसे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इसलिए अभी हमने इसमें शामिल कर दिया। अभी साथ ही साथ हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि प्याज, लहसुन अदरक सब की स्मेल अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको भून लेना है। टमाटरों से पहले हम सारे मसाले शामिल कर देंगे, ये तमाम के तमाम मसाले, और अच्छी तरह से प्याज और लहसुन अदरक में भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, मुझे लगना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर शामिल कर दूँ, इससे थोड़ी सी खटास आएगी जिससे चने बहुत टेस्टी लगेंगे। सो मैं एक आधी चमची बल्कि ये शामिल करूँगी। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी, जो टमाटरों का पेस्ट मैंने बनाया, ये शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। आप देख रहे हैं मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें ये चने इसी स्टेज पे शामिल कर दूँ ताकि मसाले और चने आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बाद में हम इसकी थोड़ी सी ग्रेवी के लिए चनों का पानी जो बच गया था वो मैं शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह हिला लेना है। चने अच्छी तरह से भुन गए हैं मसाले में। अब जो उसका बचा हुआ पानी था जो चनों से निकला था, अब मैं वो शामिल कर दूँगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। बस और मज़ीद 3 से 4 मिनट आप इसको हल्की आंच पे पका दें। अब इसमें ये मिर्चें भी शामिल कर दें और इसको हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट तक पका दें। चने बिल्कुल रेडी हैं, टाइम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आप कलर देख रहे हैं इस तरह से इसका आया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चने बिल्कुल रेडी हैं, अब मैं इसको हरे धनिए और गरम मसाले से गार्निश करूँगी। मैंने सिंगल सर्विंग भी कर दी है, आप देख सकते हैं, और गरम मसाला। व्यूअर्स, कैसे लगे आपको लाहौरी चने? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको कमेंट्स करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।